मनुष्य के कान को तीन भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। प्रथम भाग बाह्य कर्ण एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड भाग मध्य कर्ण मिडिल ईयर, और थर्ड भाग को अंतःकर्ण या इंटरनल ईयर के नाम से जानते हैं। प्रथम भाग बाह्य कर्ण में भी तीन भाग होते हैं। पहला कर्ण पल्लव या पिन्ना जो उभरा हुआ भाग होता है, इसे ईयर पिन्ना या ऑरिकल कहते हैं। दूसरे भाग को बाह्य कर्ण कुहर या एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटस या ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। तीसरे भाग को कर्णपटल या ईयर ड्रम या थाइम्पेनम या कान के पर्दे के रूप में जानते हैं। ये तीनों भाग बाह्य कर्ण के भाग होते हैं। कान का उभरा हुआ भाग पिन्ना कहलाता है, जो लचीली उपास्थि का बना होता है। यह मुख्य रूप से साउंड को कलेक्ट करके अंदर की तरफ ऑडिटरी कैनाल को भेजने का मुख्य कार्य करता है। बाह्य कर्ण का दूसरा भाग ऑडिटरी कैनाल एक गुहा होती है, जो साउंड को कलेक्ट करके अंदर की तरफ भेजती है। अंदर भाग में एक पर्दा होता है, जिसे कर्णपटल या ईयर ड्रम कहते हैं। इस ईयर ड्रम से ध्वनि टकराती है। ये तीनों भाग बाह्य कर्ण के भाग होते हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और कर्णपटल। बाह्य कर्ण के बाद मध्य कर्ण आता है। मध्य कर्ण छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई संरचना होती है। इसमें तीन हड्डियां होती हैं, संयुक्त रूप से इन्हें ऑसिकल्स कहते हैं। बाहर की ओर मैलियस हड्डी होती है, मध्य में इनकस और भीतर की ओर स्टेपीज होती है। मैलियस हड्डी कान की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो हथौड़े नुमा होती है। इसका बाहरी संकरा सिरा कर्णपटल झिल्ली से और भीतरी चौड़ा सिरा इनकस हड्डी से जुड़ा होता है। इनकस हड्डी निहायी के आकार की होती है। इसका बाहरी चौड़ा सिरा मैलियस से तथा भीतरी पतला सिरा स्टेपीज से जुड़ा होता है। स्टेपीज हड्डी कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यह घोड़े के रकाब के आकार की होती है, जिसमें त्रिकोणाकार संरचना होती है और यह इनकस से जुड़ी होती है, तथा दूसरी ओर फेनेस्ट्रा ओवेलिस पर मढ़ी झिल्ली से लगी होती है। फेनेस्ट्रा ओवेलिस अंतःकर्ण से जुड़ा हुआ भाग होता है। मध्य कर्ण के बाद अंतःकर्ण आता है। अंतःकर्ण भीतर की ओर बनी संरचना होती है, जिसमें एक घोंघे के समान संरचना कॉकलिया कहलाती है, और इसके ऊपर मांसपेशियों के तीन सर्कुलर सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल शरीर के भार को मेंटेन करते हैं, और कॉकलिया का मुख्य कार्य साउंड की तरंग को वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करती है, और इससे तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, जो ब्रेन को सूचना पहुंचा देती हैं, और ब्रेन उस साउंड को सुन लेता है, समझ लेता है। कोई भी ध्वनि जब कान में पहुंचती है, तो वह तरंग के रूप में ही होती है, और तरंग के रूप में कान में स्थानांतरित होती है। जब हम आपस में बात करते हैं, तो एयर मॉलिक्यूल्स हवा के जो कण होते हैं, वो हमारी ध्वनि को गति कराते हैं और ध्वनि पिन्ना तक पहुंचती है। पिन्ना सभी ध्वनि को एकत्र करके हमारे कान के अंदर एक नली होती है, इसे कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। इस कैनाल में भेजती है। साउंड वेव ऑडिटरी कैनाल से गुजरते हुए कान के पर्दे या एयर ड्रम्स को हिट करती है। कान के पर्दे को बार बार यह हिट करती है, और हमारे कान का जो पर्दा होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, ड्रम की तरह तना हुआ होता है, और वह हल्की सी वाइब्रेशन से मोशन करने लगता है, गति करने लगता है। इसकी वाइब्रेशन से साउंड वेव
मध्य कर्ण मिडिल ईयर तक पहुंचने लगती है। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती हैं जिन्हें संयुक्त रूप से ऑसिकल्स कहते हैं। ये हड्डियां वाइब्रेट करने लगती हैं और साउंड की फ्रीक्वेंसी को लगभग 20 गुना तक बढ़ा देती हैं। अर्थात मध्य कर्ण की इन तीनों ऑसिकल्स में 3 मुख्य हड्डियां होती हैं। इन्हें क्रमशः मैलियस, इनकस और स्टेपीज कहते हैं। स्टेपीज कान की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये तीनों हड्डियाँ एयर ड्रम्स के साउंड को 20 गुना बढ़ा करके कॉक्लिया को, अंतःकर्ण को भेज देती हैं। अब हम लोग अंतःकर्ण की बात करेंगे। हमारे अंतःकर्ण में कॉक्लिया होता है। कर्ण में हमारे अंतःकर्ण में एक लिक्विड होता है। यह लिक्विड वाइब्रेट करने हेतु हाई प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है और ऑसिकल्स 20 गुना साउंड फ्रिक्वेंसी को बढ़ा करके एम्पलीफिकेशन करते हैं। साउंड को कई गुना बढ़ा करके अंतःकर्ण में भेज देते हैं। अंतःकर्ण में कॉक्लिया होता है जो साउंड वेव कॉक्लिया को हिट करता है और स्टेपीज हड्डी कॉक्लिया को बार बार हिट करती है और हिट करने के कारण कॉक्लिया में उपस्थित द्रव्य या लिक्विड, एक विशेष प्रकार का द्रव्य कॉक्लिया में उपस्थित होता है, ये वाइब्रेट करने लगता है। कॉक्लिया में स्पेशल सेल पाए जाते हैं जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अर्थात पिन्ना से साउंड वेव आती है और कड़पट से टकराती है, ईयर ड्रम से टकराती है और टकराने के बाद जो ऑसिकल्स होती हैं, तीनों छोटी छोटी हड्डियाँ साउंड की वेव को 20 गुना बढ़ा के कॉक्लिया को हिट करती हैं। जब कॉक्लिया पर इन हड्डी का दबाव पड़ता है तो उसके अंदर का जो तरल पदार्थ होता है वो तरल पदार्थ वो वाइब्रेट करने लगता है और वाइब्रेशन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और इसी में विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका कोशिकाएं ब्रेन को सिग्नल के रूप में हमारे ध्वनि को समझा देती हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन को समझ में आ जाती है। ब्रेन इसे समझ लेता है और ऑडिटरी नर्व में विभिन्न प्रकार की फ्रिक्वेंसी को समझने की क्षमता होती है। हमारे जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं इनमें विभिन्न प्रकार की फ्रिक्वेंसी को समझने की क्षमता होती है। यही कारण है कि जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्रों के विभिन्न फ्रिक्वेंसी की ध्वनि को हमारा ब्रेन समझ लेता है। इस प्रकार कान के द्वारा सुनने की क्रिया सफल होती है।